शेराकोट में मुबैना ज्यादती का शिकार बच्चा जिना अस्पताल में दम तोड़ गया। बच्चे के वरसा का लाश बाबू साबू चौक में रखकर एहतजाज, नारेबाजी। बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। 5 घंटे के एहतजाज के बाद वरसा के पुलिस हुकाम से मुजाकरात कामयाब, बाबू साबू इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सदारती इंतखाब की मुहिम में तेजी, एतजाज एहसन के लाहौर में डेरे। मौलाना फजलुर रहमान मान जाएं तो एतजाज एहसन सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। कमर जमान कायरा और एतजाज एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एतजाज एहसन ने आमरियत के खिलाफ जंग लड़ी, जमहूरियत बचाने में अहम किरदार अदा किया। कमर जमान कायरा। सदारती इलेक्शन, मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशें तेज। मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर आएंगे, साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की पीटीआई के बल्दियाती अरकान से मुलाकात। पंजाब के फरजूदा बल्दियाती निजाम की जगह बेहतरीन सिस्टम लाएंगे। किसी रुकन असेंबली को तरक्याती फंड्स नहीं मिलेंगे, सबको यकसा हकूक देंगे, अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। पख्तून खानदान के शनाख्ती कार्ड न बनाने का मामला। वजीर आजम के हिदायत पर चेयरमैन नातरा उस्मान यूसुफ मेमन की मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल सुने, हमें दफातर से निकाल दिया जाता है, सौतेली माँ जैसा सलूक होता है। पख्तूनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन नातरा की मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। अफगान खानदानों के लिए खसूसी सेंटर कायम करने का फैसला। चेयरमैन नातरा की RTS क्रैश होने की तरदीद। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग सिस्टम बना दिया, जिमनी इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे, उस्मान यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्त ने पैसों की खातिर दोस्त को कत्ल कर दिया। कोट लखपत में खालिद नामी नौजवान के अगवा का ड्रॉप सीन। 2 रोज बाद लाश बरामद। 29 साल खालिद को इसके दोस्त समर खान ने कत्ल किया। पुलिस मुलजिम ने तलाफे जुर्म कर लिया। डिफेंस बी ब्लॉक से मॉडल गर्ल अनम तनोली की लाश मिलने का मामला। पोस्टमार्टम मुकम्मल, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं, पुलिस ने मामला मशकूक करार दे दिया। जिस्म के नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। लवाहिकी ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया। खबरदार, ओवर स्पीड मना है, हादसात से बचाव का बड़ा मंसूबा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों की कैमरा से मॉनिटरिंग। शहर भर में ऑटोमेटिक स्पीड रीडर्स लगा दिए गए। तमाम बड़ी शाहराहों पर हद रफ्तार के बोर्ड आवेजा। कैमराज की मदद से ओवर स्पीडिंग पर चालान किए जाएंगे। मिशन ब्यूटीफुल लाहौर, हाई कोर्ट के हुक्म पर बल्दिया उस्मा का बड़ा ऑपरेशन। ऑल रोड से 20 बड़े और 10 छोटे साइन बोर्ड उतारवा दिए। अदालत ने मॉल रोड और हॉल रोड से होर्डिंग्स उतारने का हुक्म दिया था। कॉर्पोरेशन अमले को व्हीकल बोर्ड उतारने में मुश्किलात का सामना। ताजरों की अमला को नुकसान पहुंचने लगा। महकमा हेल्थ में तब्दीली। पंजाब भर में हेल्थ काउंसिल का बजट बंद। हजारों डेली वेजेस मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। हुकूमत ने आइंदा के लिए डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्ती पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। पंजाब के पसमानदा 19 अजला में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के इजरा की मंजूरी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद की जेर सदारत महकमा हेल्थ का इजलास। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कम आमदनी वाले अफराद को मालियाती तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत लैया मुखसर से अम्बाद का नोटिस, रिपोर्ट तलब। शादमान इतवार बाजार में नाकिस इंतजाम, वॉक थ्रू गेट खराब। सब्जियों की कीमतों में इजाफा, क्वालिटी नाकिस। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी में उखाड़ पिछाड़। 15 मॉडल बाजारों के सुपरवाइजर और 9 सिक्योरिटी गार्ड्स का तबादला। इंतजामिया की अदम तवज्जही। शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन के बर्फी जीने 3 माह से खराब। खवातीन और बुजुर्ग मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सीढ़ियां चढ़ने से कासर। दरख्त लगाओ, मुल्क सरसब्ज बनाओ। पंजाब रेंजर्स की जानिब से शजरकारी मुहिम। विंग कमांडर कर्नल रिजवान उमेर ने गोंदी सेक्टर में पौधा लगाया। 4 विंगुल बदर की जानिब से 15,000 पौधे लगाए गए। सूबाई वजीर आपाशी सरदार मोहसिन लगारी ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एकेडमी में पौधा लगाया।
पुराने लाहौर से नए लाहौर तक का नजारा। साइड सीइंग डबल डेकर बस के किराए बढ़ाने का फैसला। किरायों में इजाफे के लिए कमेटी तश्कील। बस पर स्टूडेंट्स के लिए किराया 100 रुपए और बुजुर्गों के लिए फ्री है। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत का मामला। 2 माह में 2 मादा जराफे हलाक। अमवात कैसे हुई? इंतजामिया की गफलत या मौत तिबी थी? 22 जुलाई को मरने वाले जराफा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल ना आ सकी। एक्सपो सेंटर में बैन अलाक्वामी फूड टेक्नोलॉजी नुमाइश का दूसरा रोज। 300 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी इदारों के स्टॉल्स। ताजर बरातरी की दिलचस्पी। खालिक अहमद राही, इश्क हिजरों इंतजार दुख तन्हाई और उदासी की अकासी करने वाले शायर अहमद राही की आज 16वीं बरसी। उन्होंने सैकड़ों सदाबहार गीत लिखे। अपनी तहरीरों लाजवाब गीतों में आज भी जिंदा।